सा क्या पढ़ रहे थे? सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस सरफेस टेंशन। नहीं वो तो उसमें ना, वो तो जो फ्राइडे सैटरडे क्लास होता है उसमें ना, रेगुलर क्लास में क्या पढ़ रहे थे? अच्छा जो हम लोग पढ़ रहे थे, इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होता है अगर हम कुछ चेंज करते हैं ना, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन इक्विलिब्रियम। तो महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि कोई भी रिएक्शन जो रिवर्सिबल होता है, इसका एक प्रॉपर्टी होता था, इसका
का दिक्कत। एक मार्कर जरा से मांग लिया तो मार्कर। तो कोई भी रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में होता था उसके लिए एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता था ना, क्योंकि एक टाइम आता था जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता था। तो अगर हम रिएक्शन को ऐसे स्टेट में रखें कि उसका प्रोडक्ट का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर करके रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके जो वैल्यू आता है अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। तुम कुछ भी डिस्टर्ब करोगे तो फिर वही वापस आएगा। और जैसे नहीं होता है, मान लो कि एक ऐसे करके मान लो कि एक रस्सी में तुमने पेंडुलम बांध दिया है और तुम इसको खिसका के यहाँ पे रख दो तो फिर वापस यहाँ आएगा, इधर खिसका दो तो फिर वापस यहाँ जाएगा। हर तरीके से करके क्या होगा, मीन पोजिशन के पास आने की कोशिश करेगा। तो इक्विलिब्रियम भी मीन पोजिशन से डेविएट करोगे तो फिर से मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा मैथमेटिकली। तो हम क्या कहते हैं कि रिएक्शन या तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड शिफ्ट होके अपना पोजीशन को फिर से बना लेता है ना। तो इसके लिए पता करने के लिए कि फॉरवर्ड शिफ्ट होगा कि बैकवर्ड शिफ्ट होगा, एक रिएक्शन क्वेश्चेंट डिफाइन किया ना, रिएक्शन क्वेश्चेंट और इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, इन दोनों में अगर बराबरी का रिश्ता हो गया तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, और अगर ये छोटा है तो बढ़ने की कोशिश करेगा, और अगर ये बड़ा है तो घटेगा कहां तक। तभी हम देख रहे थे इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम में पहला था एडिशन और रिमूवल ऑफ, एडिशन और रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। क्या कहते हैं लीचेटलेट प्रिंसिपल, रिएक्टेंट डालोगे तो रिएक्टेंट को घटाने की कोशिश करेगा, रिएक्टेंट निकालोगे उसको घटाया उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड समझ में आ गया क्या था, रिएक्टेंट अगर डालते हो ये समझ में आ गया। दूसरा है वॉल्यूम चेंज है ना, वॉल्यूम चेंज, तो हमने देखा था कि वॉल्यूम बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होता है अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव है ना, डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होता है, और वॉल्यूम घटाने से बैकवर्ड शिफ्ट होता है अगर डेल्टा एन जी निगेटिव है ना, डेल्टा एन जी निगेटिव है। वॉल्यूम बढ़ाने या घटाने से कोई इफेक्ट नहीं होता है अगर डेल्टा एन जी जीरो है। तो नेट रिजल्ट हम लोग क्या लिखते हैं कि एक्सपेंशन जब हम करवाते हैं किसी गैस सिस्टम का, एक्सपेंशन में रिएक्शन शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल, रिएक्शन शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल। तो देखो ना मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल इधर किधर है, प्रोडक्ट साइड,
तो वॉल्यूम बढ़ाने में फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ, और डेल्टा एनजी नेगेटिव तो मोर नंबर ऑफ गैसेस मोल किधर है, बैक साइड, तो वॉल्यूम उल्टा लिख दिए, ये दोनों वॉल्यूम बढ़ाने से ही हुआ, ये भी वॉल्यूम बढ़ाने से, समझ में आ गया। अब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम बढ़ाना और प्रेशर घटाना दोनों एक ही बात है, तो वॉल्यूम बढ़ाए या प्रेशर घटाए रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो, और प्रेशर और वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर डेल्टा एनजी जीरो है तो। यहां तक समझ में आ गया क्या तुमको? चलिए तीसरा इफेक्ट देखते हैं हम लोग, एडिशन ऑफ अनरिएक्टिव गैस टू द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अनरिएक्टिव गैस को इनर्ट गैस भी बोलते हैं। इनर्ट गैस तो दो तरीके का होता है, एक तो हीलियम नियोन वाला, और एक मान लो कि ऑक्सीजन के लिए नाइट्रोजन इनर्ट गैस है एट रूम टेम्परेचर, समझ में आए क्या? तो एडिशन ऑफ इनर्ट अनरिएक्टिव गैस टू द इक्विलिब्रियम मिक्सर, देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ता है। मान लो कि रिएक्शन में एक कंटेनर में हो रहा है, इसके अंदर लगा हुआ है एक पिस्टन, पिस्टन को ऊपर नीचे करके वॉल्यूम बढ़ा घटा सकते हैं, इसके अंदर इक्विलिब्रियम है, मान लो इक्विलिब्रियम है कौन सा, अमोनिया गैस N2 गैस प्लस 3H2 गैस, है कि नहीं? क्या होगा इसका QP, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इनटू H2 टू द पावर 3 बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 टू द पावर 2। हम अगर इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं इसमें, एक इनर्ट गैस मान लो हीलियम ही ऐड कर दिया, और भी कुछ ऐड कर सकते थे जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन या अमोनिया से रिएक्शन नहीं कर सकता था, तो हमने क्या किया, ऐड किया एडिशन ऑफ हीलियम गैस और इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस डालने से क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बदल जाएगा? पार्शियल प्रेशर तो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 पे डिपेंड करेगा, RT और भी तो कांस्टेंट ही है, तो क्या होगा इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये कोई इफेक्ट नहीं हुआ, जब ये कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो ये भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, और ना ही अमोनिया पे कोई इफेक्ट होगा, तो QP पे भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ क्या? जब QP पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ और पहले से ही QP अगर KP के बराबर था तो क्या हो गया, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। हीलियम आने से क्या हुआ होगा, हीलियम आने से एडिशन ऑफ इनर्ट गैस से क्या हुआ होगा, पी टोटल जो होगा वो इंक्रीज हुआ होगा, क्योंकि पी टोटल जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ न्यू इनकमिंग गैस, ये इंक्रीज हो रहा है, ये तीनों क्या है, फिक्स्ड है। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन तो इसके इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन में कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है उसका, तो हम कहेंगे कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम
का कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उससे किसी का पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होता है। लेकिन अब यही काम हम कर देते एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, इसी में हम क्या करते केस टू क्या लिखते एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तुम्हें क्या करना है, पी टोटल को कांस्टेंट रखना है और तुम नंबर ऑफ मोल बढ़ाए जा रहे हो और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो पी टोटल कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अरे नहीं बढ़ाना पड़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ाने पे रिएक्शन किधर शिफ्ट होता है, रिएक्शन शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। तो ये तो वॉल्यूम इंक्रीज वाला इफेक्ट हो गया, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, रिएक्शन शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल। देखना एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, दो केस हो गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट ही नहीं है और कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ता है, वॉल्यूम इंक्रीज करने से रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल। डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड, डेल्टा एनजी नेगेटिव है तो बैकवर्ड।
सॉरी प्रेशर चेंज देख लिया, वॉल्यूम चेंज देख लिया, एडिशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देख लिया, एडिशन ऑफ अनरिएक्टिव गैस भी देख लिया, समझ में आ गया। एक और है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज से तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही बदल जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, वो थोड़ा भारी है, बाकी सब एकदम क्या है, हल्का है ना। देखो टेम्परेचर चेंज वाला बता देते हैं, हालांकि बहुत डिटेल में वो थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ेंगे, अभी खाली ये बता देते हैं कि कोई भी जो रिएक्शन होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है जिसमें हीट रिलीज होता है, हीट एग्जिट होता है, इसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक, और एक में हीट ऐड होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है, ये है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट का जो चेंज है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, नेगेटिव होता है ना, निकल गया हीट कुछ और इसमें कुछ ऐड हुआ, मतलब फाइनल बढ़ गया, तो इसका हीट चेंज पॉजिटिव होता है। अब क्या कहते हैं कि मान लो कोई रिएक्शन है ए टू बी, है ना, और ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, ऐसा देखा गया कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो 300 केल्विन पे 50 था, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 350 केल्विन पे ये बेसिकली घट के हो जाता है मान लो कि 40। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या हो रहा है, फॉर एक्सोथर्मिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, और एंडोथर्मिक के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। जो हीट ले रहा है तुम उसको और हीट दे रहे हो तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, फेवरेबल हो जाएगा, और जहां हीट ऑलरेडी निकल रहा था तुम और तापमान बढ़ा रहे हो तो क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है, क्या कॉन्सेप्ट है, फॉर एक्सोथर्मिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, और यहाँ पे है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, समझ में आया। तो देखना इसका क्या इफेक्ट होता है, मान लो कि एक रिएक्शन हम लिख रहे हैं, हम एक रिएक्शन लिख रहे हैं ए टू बी जिसका डेल्टा एच माइनस 50 है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक है, और ये इक्विलिब्रियम पे था, तो एट इक्विलिब्रियम क्यूसी का वैल्यू केसी के बराबर था, और ये था कंसेंट्रेशन ऑफ बी इक्विलिब्रियम बाई ए इक्विलिब्रियम, है ना, और तुमने टेम्परेचर रखा हुआ था, टेम्परेचर रखा हुआ था 300 केल्विन में, तुमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया और फाइनल टेम्परेचर 350 केल्विन कर दिया, तो अब जो क्यूसी का वैल्यू है, सॉरी ये क्यूसी और केसी बराबर था, यहां पे मान लो कि केसी का वैल्यू 50 था, तो अब केसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 से घट के 40 हो जाएगा, लेकिन ये तो बराबर अभी उतना ही है, तो अब क्यूसी अभी भी रहेगा कितना, 50, और केसी घट के हो गया 40, तो क्यूसी फिर नहीं पीछा करेगा केसी का, तो क्यूसी क्या होगा, डिक्रीज होने लग जाएगा, कहां तक, अप टू न्यू केसी 40 तक जाएगा। तो कहते हैं कि रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है, तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट जाएगा, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और क्यू इक्विलिब्रियम, क्यू दोनों पहले क्या था, बराबर था, और ये वाला टर्म घट गया, तो नया वाला जो के इक्विलिब्रियम है वो छोटा पड़ जाएगा क्यू से, तो ये तो फिक्स है, ये ना इसका पीछा करता है, तो क्यू बड़ा हो गया तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा, और रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है
और तुम टेम्परेचर बढ़ाए हो तो के इक्विलिब्रियम भी बढ़ गया, तो के इक्विलिब्रियम जो नया वाला होगा वो क्यू से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो क्यू बढ़ना चाहेगा अप टू के इक्विलिब्रियम न्यू, और ऐसे में क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। क्या समझा, एक्सटर्नल फैक्टर जो इक्विलिब्रियम को दाएं बाएं शिफ्ट कर रहा है उसमें क्या क्या चीज देखना है, एडिशन को हर बार यही देखना है कि कुछ भी चेंज करने से जो डिस्टर्ब हुआ, डिस्टर्ब के बाद अब जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन निकालेंगे उसे बोलेंगे क्यू, और के इक्विलिब्रियम का पीछा करना है क्यू को। तो अगर क्यू बढ़ गया तो फिर घटेगा, घट गया तो बढ़ेगा, और अगर के और क्यू बराबर है और तुमने टेम्परेचर बदल के को ही बढ़ाया घटा दिया, तो बढ़ा हुआ के का पीछा करेगा क्यू या घटा हुआ के का पीछा करेगा क्यू, इतना ही तो है। इन सब प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल। एक साइंटिस्ट को लगना पड़ा था इसके लिए, वो सब कुछ समझाया था लोगों को। तो देखते हैं अभी जरा सा सवाल बनाएंगे तो और पिक्चर क्लियर होगा। चलिए, तो सेक्शन एल दिख रहा है क्या,
सेक्शन एल में एक एक करके हम सवाल बनाते हैं। चलिए तो पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गेट अफेक्टेड बाय इंक्रीज ऑफ प्रेशर। इंक्रीज ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर इंक्रीज करने से, ऑल्सो मेंशन वेदर चेंज विल बिकॉज द रिएक्शन टू गो इन टू द राइट और लेफ्ट डायरेक्शन। पहला बताइए, पहला का रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में गैसियस मोल कितना है और रिएक्टेंट साइड में कितना है? 2 और 1 3, और रिएक्टेंट साइड में भी कितना है? 3, तो डेल्टा एनजी तो 0 है। तो प्रेशर चेंज करो या वॉल्यूम चेंज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरा वाला, इसमें भी कितना है? नहीं, 0 नहीं है। प्रोडक्ट साइड 2 मोल गैस है, रिएक्टेंट साइड केवल 1 ही मोल है, तो सॉलिड है। तो डेल्टा एन जी इसका 1 है। तो प्रेशर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम डिक्रीज होने से रिएक्शन लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल की तरफ जाएगा। तो फॉरवर्ड की बैकवर्ड, बैकवर्ड ना, बैकवर्ड में 1 मोल गैस है और फॉरवर्ड में 2 मोल गैस है, तो ये बैकवर्ड शिफ्ट होगा। तो सेकेंड वाला तो आंसर सही है। थर्ड वाला, डेल्टा एन जी कितना है? 6 और 4 10, 10 माइनस 5 और 4 9, 1 है। तो डेल्ट मतलब प्रोडक्ट साइड जाएगा तो 10 मोल बनेगा, रिएक्टेंट साइड जाएगा तो 9 मोल बनेगा। तो अगर वॉल्यूम तुम बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड जाएगा, और वॉल्यूम घटाओगे तो बैकवर्ड जाएगा। वॉल्यूम घटाओगे तब ना प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट है ही हर बार। तो बेसिकली ये भी अफेक्टेड होगा किससे? प्रेशर चेंज से। चौथा वाला भी -1 है, तो इसका अगर डेल्टा एन जी -1 है, तो -1 है तो वॉल्यूम घटा, प्रेशर बढ़ाने पे या वॉल्यूम घटाने पे बैकवर्ड शिफ्ट होगा। समझ में आया? सवाल में क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गेट अफेक्टेड बाय इंक्रीज ऑफ द वॉल्यूम, ऑल्सो मेंशन वेदर द। चलिए L2 बनाइए। Using Li-Chatelier's principle, predict the effect of decreasing the temperature. Decreasing the temperature. A वाला reaction exothermic है कि endothermic? देखो plus heat लिखा हुआ है। Equation हमेशा equal होता है, left hand side is equal to right hand side. तो ये plus करके heat लिखना पड़ रहा है, मतलब heat निकल गया है ना? तो exothermic है, ये भी exothermic है, नीचे वाला भी एक्सोथर्मिक है, सी वाला इंडोथर्मिक है, और डी वाला भी एक्सोथर्मिक है। तो डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज करने से जिसमें खुद हीट निकल रहा था वो फेवरेबल हो जाता है, जिसमें हीट देना पड़ता है वो बैक साइड में। देखो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड क्या होगा? इंडोथर्मिक होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा इंडोथर्मिक को सपोर्ट करता है, और टेम्परेचर घटाने से एक्सोथर्मिक को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे तुम क्या किए हो? टेम्परेचर घटाए हो, तो पहला वाला को फॉरवर्ड में भेजेगा, दूसरे को फॉरवर्ड में भेजेगा, तीसरे को बैकवर्ड में भेजेगा, और चौथे को फॉरवर्ड में भेजेगा। दूसरा, इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। प्रेशर इंक्रीज करना मतलब वॉल्यूम डिक्रीज करने जैसा है, और वॉल्यूम डिक्रीज करने में रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा? लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल की तरफ। तो लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल पहला में है तो इधर बैकवर्ड शिफ्ट होगा, है ना? दूसरे वाले में भी किधर शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। तीसरे वाले में किधर शिफ्ट होगा? लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल, बैकवर्ड शिफ्ट होगा। और चौथे वाले में लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। समझ में आया? तीसरा तो है ही नहीं। चलिए L3 खुद से बनाइए, L3 बनाइए जरा। बी का, अच्छा हाँ, बी का गलती लिख दिए। अरे बी का तो डेल्टा एनजी 0 है, तो इसमें प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए L3 बनाइए।
L3 में क्या है? L3 में है द डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड अमोनियम कार्बोनेट. द डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड अमोनियम कार्बोनेट टू गैसियस अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोसेस. देखो तो क्या है रिएक्शन. NH4 L3 है ना. NH4 NH2CO2 NH2CO2 सॉलिड है और ये टूट रहा है 2NH3 गैस. 2NH3 गैस प्लस CO2 गैस में है ना. इक्विलिब्रियम है और इसके बारे में लिखा है कि एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है. मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या इक्विलिब्रियम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या इक्विलिब्रियम घटेगा. अब पहला सवाल है व्हेन सॉलिड NH2 NH4 NH2 CO2 इज इंट्रोड्यूस इनटू एन इवैक्यूएटेड फ्लास्क में सॉलिड इंट्रोड्यूस कर दिया गया एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस एट इक्विलिब्रियम इज 0.3 एटीएम. तो क्या होगा, ये टूटेगा क्या? तो मान लो कि ये प्रेशर इसका 2p बना है तो इसका प्रेशर p बनेगा. अरे 2 मोल बनेगा तो 1 मोल बनेगा, तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, 2:1 में रहेगा. तो ये टोटल प्रेशर कितना होगा, 2p प्लस p का वैल्यू 0.3 एटीएम है तो P का वैल्यू कितना हो गया, 0.1 एटीएम. मतलब कि ये 0.2 एटीएम हो गया प्रेशर और ये 0.1 एटीएम हो गया. तब तो केपी निकाल सकते तुरंत ही. अरे केपी क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर, तो 0.2 का स्क्वायर.
कितना हो गया 4 × 10⁻³, केपी निकल गया। और ये तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टोटल प्रेशर ऑफ द गैस एट इक्विलिब्रियम 0.3 atm, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केपी एट 25 डिग्री, तो निकल गया। पार्ट बी क्या है, पार्ट बी है, गिवन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम हाउ वुड द फॉलोइंग चेंजेज अफेक्ट द टोटल क्वांटिटी ऑफ अमोनिया इन द फ्लास्क वंस इक्विलिब्रियम इज रीएस्टैब्लिश्ड। पहला, तुमने क्या किया, एडिंग CO2, एडिंग CO2, नेट इफेक्ट क्या होगा बताओ तो, CO2 से रिएक्शन क्वेश्चन बढ़ गया होगा क्या, और रिएक्शन क्वेश्चन और के पहले बराबर था, बढ़ गया तो ऐसा हो गया होगा, तो रिएक्शन क्वेश्चन घटना चाहेगा और घट के क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा, और बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो बेसिकली अमोनिया क्या होगा, अमाउंट ऑफ अमोनिया घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। समझ में आ गया। सेकेंड वाला, एडिंग NH4, NH2, CO2, इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तो सॉलिड है, सॉलिड का मात्रा कितना ही बढ़ा देने से ना प्रेशर बदलता है ना कंसेंट्रेशन बदलता है, तो क्यू पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो इक्विलिब्रियम पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये नो इफेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला, रिमूविंग CO2 रिमूव करेंगे तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो मोर अमोनिया प्रोड्यूस होने लग जाएगा। इंक्रीजिंग द टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल, और मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल किधर है, फॉरवर्ड साइड में, तो अमोनिया फिर बढ़ जाएगा। एडिंग नियोन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे नियोन ऐड करने से कुछ भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सबका पार्शियल प्रेशर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से इंडोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट बढ़ जाता है तो अमोनिया का अमाउंट बढ़ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए L4, L4 बनाइए।
क्या है सवाल? देखो जरा, सवाल में है फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। देखो इस चैप्टर को थोड़ा ऐसे सोचना, एक ऐसा रिएक्शन जो आगे और पीछे दोनों जाता है, एक प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक फिक्स वैल्यू होता है, ऐसा देखा गया। अब सवाल बार बार क्या पूछ रहा है कि तुम डिस्टर्ब करोगे तो आगे जाएगा कि पीछे जाएगा, चैटलियर प्रिंसिपल है। इनिशियल कंसेंट्रेशन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट का डाल दिया, अब तुम गेस करो कि आगे जाएगा पीछे जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में दो तीन चीज दिया हुआ है और एक निकालना है, तो वो भी निकालना है बेसिकली। इसी पे तो सवाल है, बाकी कुछ थ्योरी है नहीं इसमें। है ना, थोड़ा सा थ्योरी और बाकी सब सवाल है। तो देखो तो इस सवाल में बना क्या, सवाल में क्या है, फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड एट टेम्परेचर टी, एक गैस से जा रहा है बी गैस प्लस सी गैस और कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे इसका 1 मोलर है, बी का 2 मोलर है और सी का 2 मोलर है। तो अभी जो इसका क्यूसी का वैल्यू है वो 2 × 2/1 4 है, तो क्या यही केसी है? केसी है, डिस्टर्ब करेंगे तो क्यूसी भले बदलेगा लेकिन केसी नहीं बदलेगा। अब क्या लिखा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ वेसल इज डबल्ड देन फाइंड द इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसीज। वॉल्यूम को तुमने क्या किया, डबल कर दिया। वॉल्यूम को तुमने V0 से क्या कर दिया, जब वॉल्यूम किया तो ये हाफ हो गया होगा क्या, और ये भी क्या हुआ होगा 1 मोलर और ये भी। तो अब देखो तो क्यूसी कितना है, 1 × 1/2, ये तो 2 हो गया। तो इक्विलिब्रियम रहा क्या, इक्विलिब्रियम अब नहीं, तो फिर रीएस्टैब्लिश होगा इक्विलिब्रियम। कैसा रीएस्टैब्लिश होगा, क्यूसी का जो वैल्यू है वो केसी के वैल्यू से तो छोटा पड़ गया, तो क्यूसी बढ़ना चाहेगा कहां तक, अप टू केसी तक। और बढ़ता क्यूसी कब है, जब रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होता है। बढ़ेगा कैसे, बी और सी बढ़े और ए घटे तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तब ना। तो बेसिकली फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो हाफ में से एक्स घटा तो ए एक्स बनेगा, तो 1 + x हो गया और ए भी 1 + x हो गया। तो ये न्यू इक्विलिब्रियम आया, ये आ गया न्यू इक्विलिब्रियम। तो एट न्यू इक्विलिब्रियम क्या होगा बताओ, तो 1 + x × 1 + x / 1 − 1/2x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो यहां से आ जाएगा 1 + x² = 4 × 1/2 − x। तो 1 + x² + 2x = 4 × 1/2 कितना हो गया, 2 − 4x। x² + 4 और 2 कितना हो गया, 6x − 1 = 0। तो यहाँ से x निकाल लेंगे क्वाड्रेटिक सॉल्व करके, क्या x का वैल्यू हो गया −b + −b² − 4 × 1 − − + हो गया ना, ये तो ÷ 2 तो हो गया −6 + √36 + 4 कितना हो गया, 40 ÷ 2। तो एक वैल्यू हो गया −6 + √√40/2 और एक हो गया −6 − √√40/2। ये हो सकता है क्या, एक्स का वैल्यू निगेटिव होगा ही नहीं, पॉजिटिव होगा, √√40 लगता दिया हुआ है। 6.324 − 6 0.324/2 0.162 0.162। तो तुमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसीज। तो अब एक्स निकल गया तो इसका भी निकल गया, इसका निकल गया और इसका भी निकल गया। समझ में आया क्या, चलिए बहुत बढ़िया, पार्ट टू करते हैं फिर से। हम एक बार समझा दें, इस चैप्टर में हम जो पढ़ रहे हैं अभी, ली चैटलियर प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने से क्या होता है,
डिस्टर्ब कैसे कैसे कर सकते हो? डिस्टर्ब करने के लिए तुम या तो वॉल्यूम चेंज करोगे, या प्रेशर चेंज करोगे, या फिर रिएक्टेंट को ऐड करोगे, या प्रोडक्ट रिमूव करोगे, या फिर टेम्परेचर चेंज करोगे, या फिर इनर्ट गैस ऐड करोगे और रिमूव करोगे। यही सब ना हर हाल में तुमको देखना है। कुछ भी एक्शन लेने से क्यू इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब होगा तो अब खाली हम क्यू जानते हैं, के नहीं जानते हैं। और देख लें, क्यू छोटा है तो बढ़ेगा, और क्यू बड़ा है तो घटेगा, और क्यू के बराबर है तो कुछ नहीं होगा। इतना आसान तो है। तो जल्दी जल्दी से बनाइए तो जरा सा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। For the reaction CO plus H2O, CO2 plus H2 gas, at a given temperature, the equilibrium amount of CO2 can be increased by CO2 बढ़ाओगे amount कैसे? Forward direction में shift करके. Catalyst डालने से equilibrium पे कोई फर्क नहीं पड़ता. Equilibrium खाली जल्दी पहुंच जाता है या फिर देरी से होता है, पर equilibrium equilibrium रहता है. Equilibrium पहले पहुंच गया मान लो 5 मिनट में, फिर पहुंचेगा 1 ही मिनट में, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो नो इफेक्ट ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट एडिशन ऑन इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन. इनर्ट गैस डालेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? इनर्ट गैस अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे डालते तो कभी फर्क नहीं पड़ता किसी रिएक्शन में. कांस्टेंट प्रेशर पे भी करेंगे तो यार डेल्टा एनजी तो जीरो है, डेल्टा एनजी जीरो है तो वॉल्यूम चेंज का कोई इफेक्ट ही नहीं है. तो इनर्ट गैस भी डालेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे भी तो भी वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सीओ, हाँ सीओ बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ऐसे में सीओ टू बढ़ने लग जाएगा. एल टू
Given the following reaction at equilibrium, N2 plus 3 H2 2 NH3 gas. Some inert gas at constant pressure is added to the system. Constant pressure. तुम गैस मोल बढ़ाए जा रहे हो, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, प्रेशर भी कॉन्स्टेंट है, तो पक्का वॉल्यूम बढ़ेगा. वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होगा जिधर मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स है, तो किधर जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा. तो मोर अमोनिया विल बी प्रोड्यूस, नहीं, लेस अमोनिया इज प्रोड्यूस, सही है. नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम, गलत है. केपी ऑफ द रिएक्शन इज डिक्रीज्ड, भी गलत है. आंसर क्या हो गया, बी. चलिए L3 बनाइए. L3, L4, L5, L6. चार सवाल के लिए हम देते हैं 5 मिनट. सब थियोरेटिकल है. चार सवाल या 8 ही मिनट रखो ना. 8 मिनट से पहले कोई कुछ बोलेगा नहीं. 11:03 से 11:11. काहे बता रहा है इसको, काहे बता रहा है इसको. द इक्विलिब्रियम SO2Cl2, SO2 प्लस Cl2 इज अटेंड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन ए क्लोज्ड कंटेनर एंड एन इनर्ट गैस हीलियम इज इंट्रोड्यूस्ड, है ना. क्लोज्ड कंटेनर है ना, क्लोज्ड कंटेनर में वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, कंसेंट्रेशन ऑफ SO2Cl2 एंड SO2Cl2 आर चेंज. क्या चेंज होगा, कुछ नहीं, वॉल्यूम चेंज हुआ ही नहीं. नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, तो सही है. कंसेंट्रेशन ऑफ SO3 रिड्यूस भी नहीं होगा, केपी रिएक्शन भी इंक्रीज नहीं होगा. डेंसिटी ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर 3.5 एंड 2.3 ग्राम पर ml.
डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन का ही होता है, लेकिन डायमंड हार्ड होता है और ग्रेफाइट हार्ड नहीं होता है। देख रहे हो डायमंड का डेंसिटी 3.5 है, और मतलब डायमंड एक तरीके से ग्रेफाइट से कंप्रेस करने से बन रहा है क्या? अरे डेंसिटी एक का 3.5 है और एक का 2.3 है, तो वॉल्यूम घट गया ना किसका? सेम मास के लिए डायमंड का वॉल्यूम कम है और ग्रेफाइट का वॉल्यूम ज्यादा है। तुम्हें बताओ कि डायमंड से ग्रेफाइट तक जाने की जो प्रक्रिया है, इसका डेल्टा एच निगेटिव है। रिएक्शन एक्जोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक? एक्जोथर्मिक है। तो मान लो कि तुमको डायमंड से ग्रेफाइट बनाना है, डायमंड से, वैसे कौन बनाएगा डायमंड से ग्रेफाइट? सब लोग ग्रेफाइट से डायमंड बनाना चाहेंगे, तो वैसे डायमंड से ग्रेफाइट बनाना है तो टेम्परेचर हल्का करना पड़ेगा, और ग्रेफाइट से डायमंड बनाना है तो टेम्परेचर भारी करना पड़ेगा। नंबर टू, ये वॉल्यूम घट रहा है क्या? डायमंड से ग्रेफाइट जाने में वॉल्यूम बढ़ रहा है। अरे यार गैस नहीं है, है ना? ये सवाल हालांकि थोड़ा सा और भी आगे आएगा, लेकिन ऐसे कॉमन सेंस से कर सकते थे। देखो ना, एक तरीके से डायमंड से ग्रेफाइट फैल रहा है, मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स मतलब फैलना, और ग्रेफाइट से डायमंड सिकुड़ रहा है, तो फैलने के लिए प्रेशर घटाओगे कि बढ़ाओगे? फैलने के लिए प्रेशर घटाओगे, सिकुड़ने के लिए प्रेशर बढ़ाओगे। तो अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा, प्रेशर घटाओगे तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। टेम्परेचर घटाओगे तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा। तो क्या लिखा है? फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ डायमंड इज, मतलब बैकवर्ड आना चाहिए, तो बैकवर्ड आने के लिए तुमको टेम्परेचर बढ़ाना है और प्रेशर क्या है? बढ़ाना है। तो हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर कहाँ गया? सी। चलिए L5 बनाइए। इंट्रोडक्शन ऑफ इनर्ट गैस विल अफेक्ट द इक्विलिब्रियम इफ वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट एंड डेल्टा एन जी इज इक्वल टू जीरो। वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है और डेल्टा एन जी नॉन जीरो, तो भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा। प्रेशर कांस्टेंट है और डेल्टा एन जी नॉन जीरो है तो इफेक्ट करेगा। वॉल्यूम इज कांस्टेंट है, डेल्टा एन जी जीरो, तो भी इफेक्ट नहीं करेगा। प्रेशर कांस्टेंट है और डेल्टा एन जी जीरो है तो भी इफेक्ट नहीं करेगा। क्या होगा आंसर? बी, L6। H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, मतलब आइस का पिघलना इंडोथर्मिक है कि एक्टोथर्मिक? आइस में हीट डालोगे तब ना पिघलेगा, इंडोथर्मिक है। तो आइस को पिघलना एक इंडोथर्मिक प्रक्रिया है, और इसमें क्या हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है, बताओ तो। अरे आइस का डेंसिटी क्या होता है? कम होता है किससे? पानी से। तो तुम आइस को पानी में भेज रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है? सब कुछ भी बोल देता है। अरे बेवकूफ, आइस का डेंसिटी कम है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा ना। 1 kg आइस का जो वॉल्यूम होगा और 1 kg वाटर का जो वॉल्यूम होगा, वाटर का वॉल्यूम कम है और आइस का ज्यादा है, इसलिए आइस का डेंसिटी कम है, और वाटर का, जिसका डेंसिटी ज्यादा है उसका वॉल्यूम कम होगा ना। क्या क्या सोच रहा है? चलिए, तो H2O सॉलिड से H2O लिक्विड जाना मतलब कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस होना मतलब प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, और ये प्रक्रिया एंडोथर्मिक है मतलब टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? द प्रेशर चेंजेस डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। अफेक्ट करेगा क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है। मोर ऑफ आइस मेल्ट्स इफ प्रेशर ऑन द सिस्टम इज इंक्रीज्ड। सही है। मोर ऑफ लिक्विड फ्रीजेज इफ प्रेशर ऑन द सिस्टम इज इंक्रीज्ड। गलत है। द डिग्री ऑफ एडवांसमेंट ऑफ द रिएक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर। ये भी गलत है। आंसर समझ में आ गया? चलिए L6 बनाइए। L7 L8।
L7, the reaction is equilibrium is represented by the following equation: 2A solid plus 3B gas, 3C gas plus D gas plus O2. If the pressure on the system is reduced to half of its original value, pressure घटाएंगे मतलब volume बढ़ाए होंगे, volume बढ़ाने से reaction shift होगा उधर जिधर more number of gaseous product है, तो reactant side तो 3 ही mole gas है, ये तो solid है, product side 5 mole है, तो forward direction में shift होगा. The amount of C and D decreases, नहीं increase होगा. The amount of C and D increases सही है. The amount of B and D decreases, नहीं B घटेगा और D बढ़ेगा. All the amount remain constant, तो आसान हो गया ना. L8, अच्छा repeat हो गया. तो क्या मैं से मान के चल रही लीच एटलर प्रिंसिपल सीख गए, क्या क्या इफेक्ट है जरा समझो. कुछ भी नहीं, पहले से इक्विलिब्रियम है, केसी और क्यूसी का खेल है. तुम कुछ भी करोगे तो क्यूसी बदलेगा, एक चीज को छोड़ के टेम्परेचर चेंज होगा तो केसी ही बदल जाएगा. हर बार क्या हो रहा था, परछाई बदल रहा था है ना, और आदमी वहीं पे खड़ा था, नहीं आदमी का पीछा करता ना परछाई, तुम जहां जाओगे परछाई वहीं चला आएगा, समझ गया क्या. लेकिन टेम्परेचर बदलने में क्या है कि आदमी बदल जा, क्या पता नहीं क्या बोले समझ गए तुम क्या बोलना चाहते हैं. तो बेसिकली क्या है कि केसी और क्यूसी का खेल है, तुम डिस्टर्ब कर रहे हो कंसेंट्रेशन से, वॉल्यूम से, प्रेशर से, तो क्यूसी बदल रहा है, और फिर बदल के बढ़ गया तो फिर घट क्या जा रहा है, घट गया तो फिर बढ़ जा रहा है. लेकिन टेम्परेचर बदले तो ये तो बेचारा यही रहा, और ये नीचे नीचे आ गया तो फिर इसको नीचे आना पड़ा, ये ऊपर चढ़ गया तो इसको ऊपर चढ़ना पड़ा. केसी क्यूसी के थ्रू हम लोग रिएक्शन का वो देख सकते हैं. अभी तुमको हम होमवर्क देते हैं, पेज नंबर पार्ट 3 में, एक्सरसाइज 1 में, पार्ट 3 एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 में भी कुछ सवाल पहले कर चुके हम लोग. क्या कहा था कि है दस तक किए हैं, तो 11 से हम लोग करेंगे. ग्यारह, 12, 13, 14 नहीं, 15 भी नहीं, 16, 17, 18, 19, 20, 2, पार्ट 2 भी कुछ किए हैं क्या, कहाँ तक, 10 तक, 11, 13, 14, 15, 16 एंड 17, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 13, 14, 15, 16 काफी.